हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ चावड़ा पंकज सिंह फ्रॉम कैरियर क्लासेस। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन तक। ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से। तो सर क्वेश्चन इस तरह से दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था सर? फर्स्ट क्वेश्चन में था मल्टीप्लाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या है सर? सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमें डिवाइड दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले तो सर सेम चीज ही करने वाले हैं। क्या चीज सर? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 81 का करना स्टार्ट करो। 81 तो सर ये ओड नंबर है, तो सबसे पहले तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 कितना आएगा सर? 27। 3 से करेंगे कितना आएगा सर? 9। 3 से करेंगे सर 3 3 एंड 1। क्या आया सर? 81 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3। अब क्या होगा सर? कितनी बार दिया है सर? 3 बार दे दिया हुआ है। तो 81 इज इक्वल टू 3³ × 3। अब यहाँ पे ये चीज देखना है कि सर ये उसमें कैसा था कि मल्टीप्लाई में 2 नंबर ऑलरेडी दिए होते, 1 नंबर हमें मल्टीप्लाई करना था। डिविजन में क्या दिया होगा? 1 नंबर ही आपको दिया होगा, तो उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे सर? ये 3 दिया है, अगर हम इस साइड भी डिवाइड करते हैं और इस साइड करेंगे तो सर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 कट हो जाएगा। तो हाँ सर हो जाएगा। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3। तो कि सर 81/3 इज इक्वल टू 3³ × 3 डिवाइड बाय 3। 3 3 क्या हो जाएगा सर? कट। तो यहाँ पे आएगा 27 इज इक्वल टू 3³। कौन से नंबर से हमने डिवाइड किया सर? 3 से किया, ओके। तो ये रहेगा आपका सिंपल मेथड। अब उसके बाद दिया है 128, ओके। तो सर 128 में भी सेम चीज करेंगे। सबसे पहले सर 2, तो क्या आएगा? 64। सर 2 32। 2 से करेंगे 16। 2 से करेंगे 8। 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 2, और यहाँ पे 1। तो क्या सर 128 इज इक्वल टू कितने बार दिया है सर? 7 टाइम्स दिया है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड 2 रहेगा। तो कि 128 इज इक्वल टू कितने बार है सर? 3 बार ऑलरेडी दिया है 2³। ये भी सर दिए दिया है 2³, और यहाँ पे सिंगल रहा। सिंगल रहा क्या करेंगे सर? बोथ साइड वही करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 128 डिवाइड बाय 2, 2³ × 2 डिवाइड बाय 2। 2 2 क्या हो जाएगा सर? कट। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे आएगा 64। तो ये क्या हो जाएगा सर? 4³। कौन सा नंबर से डिवाइड किया सर? 2 से किया। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा रहेगा? 2 रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में 135। सेम चीज रहेगी। सबसे पहले ये देखो 3 से होता है, हाँ सर होता है। 1+3 4 4+5 9। 3 से कितना होगा सर? होता है 45। 3 से होता है, हाँ सर 15। 3 से होता है सर 5 5 1। तो यहाँ पे आएगा 135 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 5। तो क्यों सर? 135 इज इक्वल टू कितनी बार दे दिया है सर? 3 बार दे दिया है। 3³ × 5 कितना होगा सर? बोथ साइड कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? कौन सा सिंगल नंबर दिया है सर? 5। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो कि सर 135 डिवाइड बाय 5, 3³ × 5 5 5 5 आपका कट हो जाएगा। तो कितना आएगा 3³ सर? 3³ आएगा 27, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे दिया है 192।
ठीक है, तो सेम हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 में किया, वह सेम चीज कहां पे करेंगे सर? 1, 9, 2 के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन 1, 9, 2 किससे करेंगे सर? 2 से। कितना आएगा सर? 94। 2 से करेंगे कितना आएगा? सॉरी यहां पे आएगा 96। ठीक है, कितना आएगा सर? 48। वापस क्या करेंगे सर? 2 से करेंगे सर 24। वापस 2 से करेंगे सर 12। वापस 2 से करेंगे सर 6। वापस 2 से करेंगे 3 3, और ये रहा 1। तो यहां पे लिख देंगे 192 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 और 3 बार एंड 1 बार 3। तो सर 192 इज इक्वल टू 2³ × 2³ × 3। अब कौन सा सिंगल डिजिट है सर? 3। तो क्या करेंगे? बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3। सो 192 डिवाइड बाय 3, 2³ × 3 डिवाइडेड 3 3 3 क्या हो जाएगा सर? कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो सर यहाँ पे आएगा 4³। तो यहाँ पे आएगा 64। कौन से नंबर से किया सर? 3 नंबर से किया। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। फिफ्थ में क्या दिया है सर? 704 दे दिया है यहाँ पे। उसका भी सर सेम मेथड से करना पड़ेगा। ओके, कौन सा नंबर दिया है सबसे पहले? तो सर सबसे पहले दिया है हमें इवन नंबर, तो सर 2 से करेंगे। 2 3 5 2। वापस 2 से करेंगे कितना आएगा? 176। सर वापस 2 से 88, 2 से 44, 2 से 22, सर 2 से 11 11, और यहाँ पे 1। 704 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 11। ओके, तो 704 इज इक्वल टू कितनी बार दे दिया हुआ है सर? 3 बार, तो 3³। यहाँ पे कितनी बार है सर? 3 बार, और यहाँ पे 11। अब सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर? सिंगल डिजिट 11 दिया है। तो बोथ साइड कौन सी चीज से मल्टीप्लाई डिविजन करेंगे सर? 11 को बोथ साइड डिवाइडेड बाय 11। 704 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू 2³ × 11 डिवाइड बाय 11। 11 11 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो क्या चीज आएगी सर? 704 डिवाइड बाय 11, यहाँ पे हो जाएगा 4³। सर 4³ कितना होता है सर? होता है 64। ठीक है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर था सर? 11 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको दिया है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 cm, 2 cm and 5 cm। यहाँ पे ये दिया है, साइज दिया है हमें 5 2 2 5। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म ऑफ अ क्यूब, कि हमें कितनी चीजें दी है? तो सर अगर क्यूबॉइड का हमें मेजरमेंट दिया हुआ है, दैट मींस की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है, तो सर 5 × 2 × 5 दैट मींस की ये होता है 50 cm³। क्योंकि सर ये चीज है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर इसको बनाना है परफेक्ट क्यूब, तो कि सर यहाँ पे पहले देख लो कि सर 5 दो बार दिया है और 1 × 2 दिया है। तो अब क्यूब बनाना है तो क्या चीज कमी है? तो कि सर 1 बार 5 और 2 बार 2 करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसको रीअरेंज करो सर, 5 × 5 × 5
2 into 2 into 2, that means कि 5 cube and 2 cube, that means कि हो जाएगा 10 cube, 10 cube का meaning होता है कितना सर 1000, तो कि ये आपका perfect cube बनेगा, अभी आपका perfect cube नहीं है, तो उसको बनाने के लिए कितनी चीज की जरूरत है सर 5, 2 and 2, that means कि 5 into 2 into 2, that means कि 20 क्यूबॉइड्स की आपको अभी भी क्या है नीड है उसको बनाने के लिए। अगर क्यूबॉइड को क्यूब बनाना है, क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अभी हमें कितने क्यूबॉइड्स चाहिए, 20 क्यूबॉइड्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, ऐसा कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में चैट करके भेज सकते हो। गुड लक।